हेलो मोबाइल चल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक का। आज नगर परिषद कार्यालय के सामने यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने यहाँ पर अभी तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और एक प्रदर्शन किया है। कुछ इनकी मांगे थी जो विगत दिनों में कुछ घटनाक्रम हो उन विषयों को लेकर। सर क्या मामला था? मामला अनंत चतुर्दशी का है। उस दिन जो है नगर परिषद के सेफ्टी टैंक के जो टैंकर है उसके द्वारा उसी घाट पर जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हो रहा था उसी दिन जो है वहाँ मलबा बहाया गया, जिससे हिंदू जलमावनाओं को बड़ी ठेस पहुँची है। इसलिए आरोपी जो है प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अभी आपने जो प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रहिए कार्रवाई करेंगे। क्या रूपरेखा रहेगी समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की गई और यही ऐसा माहौल चलता रहा? समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चरण पर आंदोलन करेगा। हम योजना बनाएंगे जिले तक की और अनेक प्रकार की योजना होती है आंदोलन, इसलिए हम चरणबद्ध उसमें चल रहे हैं। ये थे प्रीतम बैरागी जी जो जिले के पदाधिकारी, और इन्होंने बताया कि जिला विभाग के पदाधिकारियों, और इन्होंने बताया कि अगर समय रहते अगर विश्व हिंदू परिषद ने जो आज मांग रखी ज्ञापन के माध्यम से अगर उनको नहीं माना गया और उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप देखते रहिए पब्लिक। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है विभिन्न मांगों को लेकर, क्या है पूरा मामला बताएं। गणेश चतुर्थी विसर्जन के दिन और उसके दूसरे दिन जो है नदी के करीबन 10-15 मीटर की दूरी पे सेफ्टी टैंक का मलबा जो है वो नदी के पुल के नीचे डाला गया था। तो उसमें आपके द्वारा मेरे को सूचना दी गई थी और मौके पर मैंने भी जाके देखा था, उसको पंचनामा बनवाया था, उसकी कार्रवाई करने के लिए अपने टीम का को भेज दिया। ज्ञापन जो कलेक्टर महोदय को देने के लिए मेरे माध्यम से तहसीलदार के माध्यम से दिया गया है, इसमें तत्काल कार्रवाई आगे। सर क्या कार्रवाई होगी? मैं कलेक्टर साहब को भेजूंगा इसमें लिख के,